हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। डॉक्टर साहब, मल्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हिंदी से अरबी कैसे सीखें। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, और इसके लिए हम एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई भाई किताब की शॉप पर, नोटबुक, किताब, पेंसिल वगैरह की शॉप पर काम कर रहे हैं, और उनको मालूम नहीं है कि पेन को क्या बोलते हैं, कागज को क्या बोलते हैं, नोटबुक को क्या बोलते हैं, या फिर रबर को क्या बोलते हैं, आज हम आपको अपनी वीडियो में वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके बहुत ही काम आने वाली वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। सऊदी मुल्क के अंदर अरबी भाषा है, और वहां पर अरबी आना बहुत ही जरूरी है, और अदर कंट्रीज में अरबिक, अदर कंट्रीज में इंग्लिश अगर आप से आती है तो आपका काम थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन सऊदी एक वाहिद यानी कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर अरबी आनी बहुत ही जरूरी है, तो वही उसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है, किताबों की शॉप पर काम करने के लिए आप कैसे बातचीत करें। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं किताब की दुकान पर रहने वाले को क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए। पेंसिल, पेंसिल को हम अरबी में बोलेंगे कलम, कलम रसास भी बोलते हैं, बाकी कलम भी अगर बोलेंगे तो काम चल जाएगा। पेंसिल को हम अरबी में बोलेंगे कलम, पेंसिल को हम अरबी में बोलेंगे कलम, पेंसिल को हम अरबी में बोलेंगे कलम। पेंसिल शॉर्पनर, ब्रेड क्रमरस, पेंसिल शॉर्पनर को हम बोलेंगे अरबी में ब्रेड कलम रसस, ब्रेड कलम रसस, पेंसिल शॉर्पनर को हम अरबी में बोलेंगे ब्रेड कलम रसस, पेंसिल शॉर्पनर को हम अरबी में बोलेंगे ब्रेड कलम रसस। पेन, पेन को हम अरबी में बोलेंगे कलम खाख, पेन को अरबी में हम बोलेंगे कलम खाफ, पेन को हम अरबी में बोलेंगे कलम हाफ। कैची, कैची को अरबी में हम बोलेंगे मक्स, कैची को हम अरबी में बोलेंगे मक्स, कैची को हम अरबी में बोलेंगे मक्स। किताब, किताब को हम अरबी में बोलेंगे कताब, किताब को हम अरबी में बोलेंगे कताब, किताब को हम अरबी में बोलेंगे कताब। कागज, कागज को अरबी में हम बोलेंगे वर्क, कागज को अरबी में हम बोलेंगे वर्क, कागज को अरबी में बोलेंगे हम वर्क। नोटबुक, नोटबुक को अरबी में बोलेंगे मफरक, नोटबुक को हम अरबी में बोलेंगे मफरक, नोटबुक को हम अरबी में बोलेंगे मफरक, मफकर या मफरक कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज चल सकती है, मफरक मफकर दोनों ही चीज बोलते हैं वहां पर रहने वाले लोग, मफरक और मफकर। आपने देखा होगा कि मैं लिख तो रखा है मफकर, लेकिन वहां पर मफरक भी बोल देते हैं और मफकर भी बोल देते हैं, ठीक है, आपको ये समझना है। फोल्डर, फोल्डर को अरबी में बोलेंगे हम मजलड, फोल्डर को हम अरबी में बोलेंगे मजलड, फोल्डर को हम अरबी में बोलेंगे मजलड। मापक यानी कि फीटा, यानी कि एक
फीटी को जैसे हम यहाँ पर फीटा बोलते हैं, तो वहां पे मापक, ये हिंदी का शब्द है मापक, तो उसको अरबी में वहां पे क्या बोलते हैं, मस्तरट। मस्तरट बोल दो या फिर मस्तर बोल दो, ये दोनों ही चीज बोल सकते हैं, मस्तरट या फिर मस्तर, खाली खाली मस्तर भी बोल सकते हैं। गोंद, गोंद को हम अरबी में बोलेंगे ग्रा, गोंद को हम अरबी में बोलेंगे ग्रा, गोंद को हम अरबी में बोलेंगे ग्रा। रबड़, रबड़ को हम अरबी में बोलेंगे ममहत, रबर को हम अरबी में बोलेंगे ममहत, रबर को हम अरबी में बोलेंगे ममहत, रबर को हम अरबी में बोलेंगे ममहत। लंच बॉक्स, इसको हम अरबी में बोलेंगे संदूक अलगदा। लंच बॉक्स, इसको हम अरबी में बोलेंगे संदूक अलगदा। लंच बॉक्स, इसको हम अरबी में बोलेंगे संदूक अलगदा। लंच बॉक्स, इसको हम अरबी में बोलेंगे संदूक अलगदा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी यहाँ तक देख ली तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।